हम अगर जो नाम लिए अहमद रज़ा का। सुना तो मैंने भी था, बल्कि देखा भी दो चार वीडियो के अंदर, एक लाल रुमाल पहनकर कोई चमगादड़ है। तो वो अक्सर क्या होता है कि सुन्नी अवाम को किसी भी मामले में पकड़कर बहुत सारी बातों के अंदर पूछा। उसने एक शख्स की टोपी उतारी और वो टोपी निस्बत रखती थी गरीब नवाज के शहर से कि ये आपने क्यों पहनी। इसी तरह एक शख्स के लिबास के ऊपर भी एतराज़ किया। तो बाज़ अक्सर हमारे उलमा इकराम से सुनी हुई बातें जो सुन्नी अक्सर उनको जवाब में कहते हैं कि जो चीज़ मना नहीं होती वो जायज़ होती है, तो अक्सर वो कहते हैं मना का है। तो अब उन्होंने क्या हो गया कि एक नया वायरस फैला रखा है कि अब जो भी शख्स उनसे कहता है कि मना कहाँ है, तो उसके जवाब में कहते हैं, मैंने खुद सुना कि तवाफ के अंदर बोलते हैं कि सात चक्कर है तो आठ मना कहाँ है, आप आठ कर लो। तो एक कहता है कि नमाज में सजदे दो क्यों करते हो, तीन कर लो, यानी तीन सजदे मना कहाँ है, तीन सजदे कर लो। तो इनके बारे में क्या जवाब है कि अब इसकी यानी किस तरीके से इस जुमले को कि मना कहाँ है इसका दिफा किया जाए। देखें, मना कहाँ है कि हकीकत ये होती है, सिर्फ इसका मामला ये नहीं कि जो काम मना नहीं होता शरीयत में जायज़ होता है। दरअसल बात यह है कि जो काम मना ना हो साथ में वो शरीयत के अंदर कहीं शरीयत से टकराता भी ना हो, जायज़ तब होगा। अगर आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ किसी चीज़ को हदीस में तलाश करेंगे कि ये काम करना मना कहाँ है, तो इस तरह तो आपको लफ्ज़ नहीं मिलेगा। दूसरी उसके पहलू ये भी होता है कि वो कहीं शरीयत के ख़िलाफ़ तो नहीं है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हदीस में बज़ाहिर मना नहीं है लेकिन उनको करने पर शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी होती है, वो शरीयत के ख़िलाफ़ जाते हैं। इसकी एक मैं मिसाल आपको आसान करके देता हूँ ताकि आप वहाबियों को, मतलब अगर वो ये आपको रिप्लाई करें तो आप उनको जवाब दे सको कि मना कहाँ है। तो अक्सर ये होता है कि आपने कहीं देखा होगा किसी दुकान के ऊपर अगर कोई चीज़ मिल रही है, मिसाल के तौर पर कोई पानी की बॉटल है और उसके रेट 10 रुपये लिखे हैं, यानी एक बोतल 10 रुपये की। तो अब कोई जाके कहे कि 9 रुपये की वो बोतल ख़रीदने की कोशिश करे और अगर दुकानदार उससे मना करे कि 9 रुपये की ये बोतल नहीं है, तो वही कहेगा कि 9 रुपये की मना कहाँ लिखी है ना। तो ये उसकी जहालत होगी कि 9 रुपये में मना कहाँ लिखी है, क्योंकि 10 रुपये का रेट लिखना ही 9 रुपये के मना होने पर दलालत कर रहा है। ठीक, इसी तरह 10 रुपये का मतलब ये है कि 10 से कम की नहीं है। अब उसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 1 रुपये की नहीं है, 2 रुपये की नहीं है, 9 रुपये की नहीं है, 8 रुपये की नहीं है, बल्कि उसने एक जुमला लिखा कि 10 रुपये की है, तो मतलब 9 रुपये तक की ये बोतल नहीं है। इसी तरह 10 का मतलब ये है कि आगे 10 से महंगी भी नहीं है। तो एक जुमला लिखना बाकी नंबरों को, बाकी रेट को जो है ना, उसने खुद ब खुद मना कर दिया कि अब इसके अंदर नहीं है। अब वो ढूंढने लगे कि 9 मना कहाँ लिखा है, 10 रुपये तो लिखा लेकिन 9 मना कहाँ लिखा है, तो ये उसकी अपनी जहालत होगी। ठीक, इसी तरह नमाज के अंदर वो कहते हैं कि सजदे 3 मना कहाँ है, 3 कर लो। तो मना ना होने के लिए जो एक बात होती है कि चीज़ मना बिना और शरीयत के ख़िलाफ बिना जाती हो, लेकिन नमाज में 2 सजदों का तो हुक्म वाज़े है ना, यानी 1 रकात के अंदर 2 सजदे करेंगे इसका हुक्म मौजूद है। और जब किसी चीज़ का हुक्म बिल्कुल मौजूद और उसके ख़िलाफ़ करना ख़िलाफ़ शरीयत कहलाता हो तो ज़रूरी फिर वो बात मना है, यानी उसको करा नहीं जाएगा। अब सजदे क्योंकि 2 है और 3 करने से या 1 करने से नमाज में कराहत है। अच्छा, अब ये कि 3 ना करना मना कहाँ है, तो ऐसे जाहिलों को ये बात बतानी चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब 1 रकात में 2 सजदे किए तो उनका 2 करना ही 3 ना करने पर दलालत हो गई। यानी जिस तरह 10 रुपये की बोतल का मतलब हुआ कि 9 रुपये में ये नहीं है और पूछने की ज़रूरत भी नहीं। ठीक, इसी तरह 2 सजदे हुजूर ने हर रकात के अंदर 2 सजदे अदा किए, मतलब ये कि 1 नहीं करना और 3 नहीं करने, 5 नहीं करने, 7 नहीं करने, कायदा बयान कर दिया। तो उस कायदे की बुनियाद पर अब आप कहें कि तवाफ़ के अंदर 7 चक्कर है, जब 7 चक्कर का हुक्म वाज़े हो गया कि तवाफ़ के अंदर 7 चक्कर लगाने, तो अब 8 नहीं कर सकते और 6 भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ मना दिखाई जाए, कि उसको ये दिखाया जाए हदीस में कि 8 कहाँ मना लिखे हैं। तो ऐसे जाहिलों को ये दिखाने के बजाय उनको ये समझना चाहिए कि 8 कहाँ लिखे हैं ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन 7 लिखे हैं का मतलब ही ये है कि 8 नहीं करने। ठीक है, अब अक्सर एक दफ़ा हुआ ऐसा कि एक शख्स था, वो अक्सर मसाइल वगैरह के ताल्लुक से वो अक्सर कॉल किया करते थे, तो वहाब देवबंदी वगैरह की बातों से काफ़ी मुतासिर थे वो, यानी उनके अखलाक को लेकर और ये कि वो बुराई नहीं करते, तो कुछ पूछने के ताल्लुक से अक्सर वो कॉल करते थे। तो उन्होंने एक दफ़ा मिलाद या झंडे वगैरह के ताल्लुक से ये चीज़ मालूम करी कि कहाँ से जायज़ है, तो मैंने उनको यही बताया कि इसका जायज़ होना तो इतना है कि कहीं शरीयत में मना नहीं है। तो उनके बाद दिमाग में ये चीज़ आ गई। अब क्या उनको ये चीज़ समझ में आई, तो एक दफ़ा वो अपनी मस्जिद में गए
और एक शख्स को वजू करते हुए देखा। अब वो शख्स भी सुन्नी था तो वो गले का मसा कर रहा था वजू में, जो यानी मना है, एक्स्ट्रा पानी लेके गले के अगले हिस्से का मसा कर रहा था। तो उन्होंने उसे मना करा कि भाई ये वजू का जो है सही तरीका नहीं है, इस तरह मसा नहीं करते। तो उस सुन्नी ने उनको जवाब में ये कहा कि मना कहाँ है। अब वो इस बात से बहुत कंफ्यूज हो गया कि मतलब ये तो अपने लोग ही अगर इस तरीके से दलील देंगे मना कहें, तो हम इसके जवाब में क्या कहेंगे। तो उन्होंने मुझे वापस फ़ोन करा और कहने लगे कि अभी अपना सुन्नी भाई ये वो ये कह रहा है कि मैंने उसे मकरू पानी से वजू करने के लिए मना किया, तो वो कहता है मना कहाँ है। तो फिर मैंने बताया कि देखिए वजू का तरीका शरीयत के अंदर बिल्कुल तय यानी किया जा चुका है कि वजू इस तरीके से करना है, यानी हर आज़ा को कितनी बार धोना है ये चीज़ बता दी गई, पहले कौन सा आज़ा धोना है बाद में कौन सा आज़ा धोना है ये चीज़ साफ कर दी गई। तो जो चीज़ शरीयत के अंदर बिल्कुल साफ तौर से आ गई तो अब उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये काम पे ये दलील नहीं दी जा सकती कि मना नहीं है तो जायज़ है, क्योंकि इसका तो मना होना ही शरीयत से साबित हो रहा है। कोई पहले पैर धोए फिर मुंह धोए फिर हाथ धोए वजू में, और ये कहे कि बताओ कहाँ मनाए कि पहले पैर नहीं धो सकते, तो ये चीज़ तो नहीं मिलेगी वजू में कि पहले पैर नहीं धो सकते, लेकिन ये तो मिल जाएगा कि पहले क्या धोना है। तो पहले क्या धोना है मिलना ही इस बात की दलील है कि पहले पैर नहीं धोने। इसके अलावा देखें जायज़ नाजायज़ होने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम का एक हदीस की जो डेफिनेशन उलमा अकरम बयान करते हैं उसके अंदर एक हदीस है तकरीर, यानी हदीस है कौली फैली और तकरीरी। इसे आप सुन्नत भी समझ लें कि कौली सुन्नत फैली सुन्नत और तकरीरी सुन्नत। ये जो तीसरी किस्म की सुन्नत है इसका मतलब ये होता है, यानी हुजूर तकरीर से मुराद यहाँ पर खामोशी है, यानी उर्दू में तो तकरीर बयान करने को कहते हैं और अरबी में खामोशी के जुमले में आता है। तो अब ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम की खामोशी भी शरीयत में बहुत से काम को जायज़ कर रही है, ये दलील है कि जो चीज़ मना नहीं होती जायज़ होती है। आप ये समझें कि सहाबा इकराम ने जो काम हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने किए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किए तो उलमा ने उसको भी सुन्नत लिखा। सुन्नत की बहस तो हम अभी नहीं कर रहे, फ़िलहाल ये जायज़ होने के लिए दलील है कि सहाबा ने जो काम हुजूर के सामने किया अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़ होता तो हुजूर ने मना फरमाया कि ये काम इस तरह नहीं होगा इस तरह होगा या ये काम आज के बाद नहीं करो। बहुत से काम थे सहाबा इकराम करते थे, यानी इस्लाम जब मुकम्मल तौर से नहीं आया था तो बाद में हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, और बहुत से काम ऐसे थे जिनको मना नहीं किया तो वो बाद में आगे भी यानी दीन के अंदर वो जारी रहे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का किसी काम को देखकर मना ना करना उसके जायज़ होने की दलील शरीयत के अंदर है, और ये उलमा इकराम अच्छी तरह जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ये सहाबा का काम हुजूर के सामने अगर करते हैं नाजायज़ होता मना करते नहीं तो फिर उसको इजाज़त देते। एक हदीस पाक आपने अक्सर जो उलमा इकराम से सुनी होगी हज के मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, हज के ताल्लुक से कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज फरमाया तो अपने बाल मुबारक जब कटवाए तो सहाबा इकराम ने वो तबर्रक के तौर पर रख लिए। आज हमारे पास जो दलील होती है किसी भी चीज़ को कहने के लिए कि मना कहाँ है, हमारे पास एक कुरान होता है एक हदीस होती है, लेकिन सहाबा के दौर के अंदर ये किताबें यानी तहरीरी तौर पर कोई बुखारी और मुस्लिम मौजूद नहीं थी, तो उनके लिए अक्सर दलील क्या हुआ करती थी कुरान पाक, यानी वो किसी चीज़ को दलील लेते तो कुरान पाक से दलील लेते या हुजूर अलैहिस्सलाम से यानी बराए रास्त मालूम किया करते थे। तो ऐसा नहीं था उनके पास कोई तहरीरी किताब इतनी कि बुखारी में देखते या मुस्लिम में। अब अगर सहाबा के अंदर इख्तिलाफ होता किसी मामले को लेकर तो वो कुरान पाक के ऊपर पेश करते कि क्या ये चीज़ जायज़ है यानी या हुजूर अलैहिस्सलाम से मालूम कर दें। ठीक वैसे अपने वजू के अंदर भी ये बात सुनी होगी कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब वजू फरमाते तो सहाबा इकराम उनके वजू का पानी लेकर अपने चेहरे पर जो है वो मला करते थे। अब ये कि उस वजू के पानी को यानी जो पानी आम ज़ुबान में आप कहें कि माय मुस्तमिल है मकरूह है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते दोबारा, सहाबा इकराम बरकत के तौर से उसको लिया करते थे। अब सहाबा इकराम ये काम कर रहे हैं और कुरान के अंदर इसका हुक्म भी नहीं है करने का, तो जब कुरान में हुक्म नहीं है करने का फिर भी वो काम जायज़, अब सहाबा के दिल में ये ख्याल किस तरह आया यानी उन्होंने किस तरह ये मामला सोचा कि ये काम जायज़ है। सबसे पहले तो इसके जायज़ होने की दलील ये है कि उस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने देख कर भी मना नहीं किया, सहाबा इकराम मोहब्बत के अंदर डूब कर उसको तबर्रक और बरकत समझ कर अपने चेहरे पर मल रहे थे, और जाहिर सी बात है हदीस पाक से, लेकिन कुरान की किसी आयत ने इसका हुक्म सहाबा को नहीं दिया था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की खामोशी ने उसको जायज़ करार दिया। तो जो काम शरीयत में मना नहीं सहाबा इकराम भी जानते थे वो काम जायज़ होता है, कोई आयत ऐसी नहीं थी कि वजू का पानी नबी का आप अपने चेहरे पे नहीं मल सकते, लिहाजा उन्होंने इसको जायज़ समझकर इस्तेमाल किया। ऐसी बेशुमार और भी दलीलें हैं कि मना होने के ताल्लुक से कि अक्सर जो लोग कहते हैं मना नहीं है तो तीन सजदे करो, मना नहीं है तो आठ तवाफ़ करो, तो तीन सजदे नहीं होंगे क्योंकि यहाँ हुक्म मौजूद है
और 8 तवाफ भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ भी क्वांटिटी के हिसाब से हुक्म मौजूद है। जहाँ क्वांटिटी के हिसाब से हुक्म नहीं होता, कोई ख़िलाफ़ काम नहीं होता और शरीयत सुकूत इख्तियार करती है, तो ऐसी सूरत में वो काम जायज़ होता है। इसकी एक मिसाल जैसे झंडे लगाने के ताल्लुक से उलमाए किराम फरमाते हैं कि इनका जायज़ होना तो इसी काम से है, यानी इसी दलील के लिए जायज़ होना काफ़ी है कि यह मना नहीं। अक्सर तो रिवायत से झंडे लगाना मौजूद है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदिल्लाहु ताला अन्हु से अंगूठे चूमने के ताल्लुक से सवाल किया गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर जो अंगूठे चूमना साबित है वो कहाँ से। आला हज़रत फरमाते हैं अव्वल तो ये शरीयत से साबित है, और अगर मान लीजिए कि ये शरीयत से साबित नहीं होता तो इसके जायज़ होने के लिए इतना काफ़ी था कि कहीं मना नहीं है। यानी अब ये काम कि हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक लिया जाए और कोई शख्स बोसे दे के इस तरह आँखों से लगा ले, तो इसके अंदर शरीयत के कोई काम ख़िलाफ़ नहीं हुआ, तो इसका शरीयत के ख़िलाफ़ ना होना और शरीयत में मना ना होना जायज़ की दलील है। ठीक है, यानी दोनों बातें देखें आप, शरीयत में मना नहीं काफ़ी नहीं बल्कि शरीयत के ख़िलाफ़ भी ना हो, दूसरा पहलू ये। अब तीन सजदों में तो मना नहीं है लेकिन शरीयत के ख़िलाफ़ तो है। इसकी एक मिसाल और मैं आपको देता हूँ, जैसे ये गिलास है, अब अगर मैं इस शीशे के गिलास को तोड़ दूँ फेंक कर और कहूँ कि मना कहाँ है, यानी ये मना कहाँ है कि मैं शीशे के गिलास को नहीं तोड़ सकता, ये शीशे का गिलास नहीं तोड़ना चाहिए, ये मना कहाँ है। अब मैं इस पे कोई हदीस निकालने बैठूँ या किसी से मालूम करूँ कि भाई मना कहाँ है कि मैं शीशे का गिलास नहीं तोड़ सकता, तो हर शख्स उसको मेरी यानी जहालत ही शुमार करेगा। तो इसकी असल ये नहीं कि शीशे का गिलास तोड़ना मना कहाँ, इसकी असल ये होगी कि शरीयत में इसराफ़ यानी फिजूल खर्ची मना है। अगर मैं इस गिलास को तोड़ता हूँ तो जाहिर है कि ये मैं इसको नुकसान करता हूँ, यानी रकम का नुकसान करता हूँ और बेजा रकम को बर्बाद करता हूँ। तो इसी तरीके से कोई काम, तो ये मेरा गिलास तोड़ना शरीयत के ख़िलाफ़ करार पाएगा अगरचे मना ना मिले। ठीक, तो इसी तरह कोई ऐसा काम जो आपसे वहाँ भी करे कि मना नहीं है तो कर लो, तो अगर उसके करने में शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी होगी तो मना ना होना काफ़ी नहीं है बल्कि उसके ख़िलाफ़ दलील मौजूद है। लिहाजा ये दलील बेकार है कि 8 तवाफ़ कर लो, 3 सजदे कर लो, या कोई इबादत में कोई एक्स्ट्रा फ़र्ज़ वाजिब ये वहाँ भी लोग बताते हैं कि इसको इंक्लूड कर लो, तो ऐसा नहीं होता। जो मना उसी सूरत में नहीं होगा जहाँ पे उसके शरीयत के खिलाफ भी ना हो और शरीयत से वो बात टकराती भी ना हो।